जानते हैं कि राजस्थान की सांसी जनजाति में कुकड़ी रस्म क्या है। आज हम उस रस्म या कुप्रथा से रूबरू होंगे जिसको शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सांसी जनजाति भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। आज हम इस जनजाति में प्रचलित एक रस्म या कुप्रथा कुकड़ी के बारे में जानेंगे। जनजातियों की भांति हमारे समाज में भी अनेक कुप्रथाओं का चलन आज भी है, जिन्हें रीति रिवाज, परंपरा और संस्कारों का नाम देकर बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसी ही एक रस्म है कुकड़ी प्रथा, जो सामान्यतः सांसी जनजाति में प्रचलित है। क्या है कुकड़ी रस्म? सांसी जनजाति की वो रस्म जिसमें विवाह के समय लड़की की चारित्रिक परीक्षा ली जाती है, उसे कुकड़ी रस्म कहा जाता है। एक लड़की अपने परिवार को छोड़कर शादी करके ससुराल जाती है। वहाँ पर सुहागरात की रात उसका पति हाथों में सफेद धागों का गुच्छा लिए उसके कमरे में प्रवेश करता है। ये देखकर वो लड़की डर के मारे घबरा जाती है। उसके जहन में वो बातें सहसा याद आ जाती है जो अपने घर और आस पड़ोस की औरतों से हमेशा सुनती आई है। पति ये जांच करने वाला है कि उसकी पत्नी वर्जिन है या नहीं। ये सोचकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि उसके साथ अब आगे क्या क्या होने वाला है। ये सोचकर वो रोने लग जाती है। उस पलंग पर सफेद चादर बिछी हुई है और पति के द्वारा लाई गई उस कुकड़ी को बिस्तर पर रख दिया जाता है। उसके बाद पति उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सुबह उस बिस्तर पर बिछी चादर और कुकड़ी को देखा जाता है। उसका पति वो गुच्छा लेकर कमरे से बाहर जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अरे वो खराब है। इतना सुनते ही लड़के के घर वाले अब उस नई दुल्हन से उसके मित्र का नाम पूछते हैं। लड़की रो रो कर कहती रहती है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया। जब बिस्तर पर खून के निशान नहीं मिलते, तब परिवार वाले उस लड़की के साथ मारपीट और पशुवत व्यवहार करते हैं। ससुराल वाले उसको खूब पीटते हैं और ये कहते हैं कि पंचायत के सामने वो झूठा मान ले कि उसकी जीजा के साथ उसके शारीरिक संबंध थे। अगर उसकी पत्नी वर्जिन निकलती है, मतलब बिस्तर पर अगर खून के निशान मिल भी जाते हैं, तब भी उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जाता है और पीहर पक्ष वालों से ज्यादा दहेज के लिए बाध्य किया जाता है। इतना नहीं है कि यहीं पर उसकी चारित्रिक परीक्षा पूर्ण हो गई है और आगे अब वो शांति से अपना जीवन बिता सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे जाकर उसे इससे भी ज्यादा भयंकर अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके तहत उसे पानी में नाक पकड़कर 2 से 3 मिनट तक अंदर रहने को मजबूर किया जाता है। उसके बाद भी अगर लड़की के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो उसके हाथों में पीपल के पत्तों पर गर्म लोहे के जलते अंगारों को रखकर खड़ा होना पड़ता है। ऐसी अनेकों कुप्रथाएं आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं, जिनसे महिलाओं के प्रति क्रूर और आपराधिक कृत्य किया जाता है। समाज में महिलाओं की स्थिति इन प्रथाओं के कारण बहुत दयनीय हो गई है। उनके आत्मसम्मान का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा जाता। वर्तमान में इन कुप्रथाओं को समाप्त करने की जरूरत है, जिसके लिए समाज और सरकार द्वारा सामूहिक रूप से आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यही वो समय है जो मानव के अंदर छुपी हुई मानवीयता को जगाना होगा और ऐसी कुप्रथाओं को जड़ से मिटाना होगा, ताकि ऐसी प्रथाएं आगे जन्म न ले और आगे महिलाओं को ऐसी किसी भी दयनीय स्थिति का सामना न करना पड़े। आपका इस पर क्या है विचार, हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और आप तक ऐसी और भी कई जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे।